नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। डीएनडी दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, दुनिया के तमाम शहर जहां साइकिल की सवारी और पैदल चलने को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं डीएनडी पर इसकी मनाही है। देश की राजधानी और यूपी के सबसे चमकीले शहर को जोड़ने वाला ये फ्लाईवे वाकई हवा से बातें करने वाली गाड़ियों के लिए ही है। आखिर क्यों इस एक्सप्रेसवे पर साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों को इजाजत नहीं है, आइए जानते हैं। डीएनडी 2001 में बना यह एक्सप्रेसवे 9.2 किलोमीटर लंबा है। नोएडा में कई जगह साइकिल ट्रैक बने, लेकिन डीएनडी पर ना साइकिल चलाने के लिए ट्रैक बना और ना ही फुटपाथ। इस बारे में हमने डीएनडी के अधिकारी सुभाष गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि हमारे देश के ज्यादातर एक्सप्रेसवेज पर साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों पर रोक है। इसी तरह डीएनडी के बनने के बाद से ही यहां नॉन मोटर व्हीकल्स पर प्रतिबंध है, मतलब साइकिल, बैलगाड़ी और हाथ रिक्शा और पैदल चलने वालों को इजाजत नहीं है। इसकी एक वजह बताते हुए सुभाष ने कहा कि सड़कों पर कारों, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों में जगह पाने और आगे निकलने की होड़ सी लगी रहती है। एक तरफ ये जाम की वजह बनते हैं तो दूसरी तरफ एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा डीएनडी पर गाड़ियां 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, ऐसे में धीमी गति वाले वाहनों को यहां चलने की छूट दी गई तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डीएनडी के इस नियम से निराश हैं। गाजियाबाद में रहने वाले जवाहरलाल नेहरू रिफ्लेक्शन लीव नाम की वेबसाइट चलाते हैं। उनका कहना है प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इसके उलट हो रहा है। अगर साइकिल चलाने और पैदल चलने वालों से समस्या है तो कार, मोटरसाइकिल और ट्रक चलाने वालों से भी तो समस्या है। प्रदूषण इन्हीं से होता है, इन्हें सड़क से क्यों नहीं हटाया जाता। एशियानेट न्यूज चैनल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, पत्रकार और साइकिलिस्ट राजेश कालरा का कहना है कि डीएनडी काफी तेज गति का कॉरिडोर है। अगर यहाँ साइकिल सवारों से प्रतिबंध हटा भी दिया जाए तब भी यहाँ साइकिल चलाना बेहद खतरनाक होगा। वह कहते हैं डीएनडी पर अलग से साइकिल ट्रैक बनाना चाहिए जिससे लोग सुरक्षित होकर साइकिल चला सकें। पैदल चलना मतलब जान जोखिम में। अपने देश में पैदल चलने वालों की सेफ्टी बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के आंकड़े देखें तो 2017 में हुए कुल हादसों में 20,457 पैदल यात्रियों की जाने गई थी। साल 2019 में संख्या बढ़कर लगभग 28,000 हो गई। औसतन देखा जाए तो सड़क हादसों में रोज 56 लोगों की जाने जाती हैं। वहीं 2019 में एक्सप्रेसवे पर 1389 लोगों की मौतें हुई। भारत में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की कमी है। हमारे देश में जितनी सड़कें हैं उससे 30% से भी कम फुटपाथ हैं। 2008 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में दावा किया गया कि पैदल चलने वाले 10 में से 9 लोग पैदल चलते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। पैदल चलने वालों के लिए कानून में कई नियम भी हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में फुटपाथ और उस पर चलने वाले लोगों को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए इसी कानून के तहत वाहनों के ट्रैफिक नियम तय किए गए हैं। फुटपाथ को सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। फुटपाथ पर किसी भी तरह की गाड़ी चलाने पर रोक है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1989 में रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन लाए गए। इसके मुताबिक ड्राइव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे ड्राइवर पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनी क्रॉसिंग के नजदीक आने पर गाड़ी की स्पीड कम करनी होगी। क्रॉसिंग फुटपाथ पर गाड़ी पार्क नहीं की जा सकेगी। कोई भी वाहन फुटपाथ पर नहीं चलाया जा सकता। मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने बढ़ाए गए हैं। डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये किया गया है। गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने जेल और 10,000 रुपये तक पेनल्टी का नियम है। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 279(1) में खतरनाक ड्राइविंग के लिए सजा का प्रावधान है। यही नहीं, धारा 336(2) में कहा गया है कि अगर ड्राइवर उतावलेपन में किसी पैदल चलते व्यक्ति को चोटिल करता है तो उसे 3 महीने की जेल और 250 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 333 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल और 500 रुपये के दंड या दोनों का नियम है। धारा 338 में 2 वर्ष की सजा और 1,000 रुपये आर्थिक दंड दिया जा सकता है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी ब्रज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।